सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता, प्रेम सहयोग विश्वास निष्ठा सुरक्षा सहानुभूति और सम्मान ये सभी ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बनाते हैं। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। राधे राधे। आज का पंचांग 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि 27 अगस्त को रात्रि 2:20 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र दोपहर 3:55 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:45 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:03 से 3:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त दिन सोमवार यानी आज मनाया जाएगा। इस बार अष्टमी 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर आरंभ होगी और इसका समापन 27 अगस्त को 2:20 पर होगा, यानी 26 अगस्त की रात्रि में अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। इस बार श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12:44 तक होगा। इस अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। वृश्चिक राशि 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार, आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेगी, लेकिन चिंता ना करें, सब बहुत अच्छी खबरें ही होगी। लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वे आज पूरी होने वाली है। कुछ चीजें जिन कोशिशों को आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे वे अनंतता आज सफल होगी, इसीलिए आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी खबर हो। आप अभी पदोन्नति और वेतन की बढ़ोतरी के लिए तैयार हैं। आपके आसपास के लोग आपको आकर्षक और प्रतिभावान समझ रहे हैं। अपनी उपलब्धियों की पहचान पाने के लिए आज के महत्व का मजा लें। रिश्ते को लेकर हमेशा सतर्क रहें, कड़ी मेहनत करें और सफलता की रोशनी से जीवन को चमकाएं। आज आपके अनुशासित प्रयासों के लिए शानदार पुरस्कार मिलने वाले हैं। जो भी आपको प्राप्त होगा आप उसके हकदार हैं। आपका इनाम प्रसिद्धि सार्वजनिक पहचान या प्रियजनों से मिलने वाली प्रशंसा कुछ भी हो सकता है। काम में दूसरों की राय भी अवश्य लें। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी की शिकायत कभी नहीं करता। गर्भवती महिलाओं को चलते फिरते समय खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर संभव हो तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो धूम्रपान करते हैं, क्योंकि इससे पैदा होने वाले शिशु को नुकसान हो सकता है। आपको कमीशन लाभांश या रॉयल्टी के जरिए फायदा होगा। कुछ लोग आपकी झुंझुलाहट की वजह बन सकते हैं, उन्हें नजरअंदाज करें। आपका साथी आपको पूरे दिन याद करता रहेगा। उसे कोई प्यारा सरप्राइज देने की योजना बनाएं और उसे उसके लिए एक खूबसूरत दिन में तब्दील करने के बारे में सोचें। गपबाजी और अफवाहों से दूर रहें। आपके और आपके जीवन साथी के बीच विश्वास की कमी रह सकती है, जिससे आज वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ एक कैंडल लाइट डिनर संभवतः आपके दिन भर की थकान को दूर कर सकता है। आपके सभी कार्य मन मुताबिक तरीके से होते जाएंगे। घर का माहौल अनुशासित रहेगा। दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में आपका विशेष योगदान रहेगा। ऐसा करके आपको खुशी भी मिलेगी। पुरानी बातों को सुलझाना आपके लिए आवश्यक है। बार बार पुरानी बातों के बारे में विचार करने से अपने लिए नकारात्मकता बढ़ा रही है। साथ में वर्तमान की बातों पर ध्यान देते समय डर भी महसूस होता रहेगा,
विचारों को सुलझाने पर ध्यान दें। नए करियर का चुनाव करते समय सोच विचार जरूर करें, सही तरीके से संवाद बनाए रखें। पार्टनर को एक दूसरे की समस्याओं को समझना जरूरी होगा। मांसपेशियों में खिंचाव भी हो सकता है, ख्याल रखें। सावधानियां, दूसरों के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें। किसी के साथ वाद विवाद होने के आसार बन रहे हैं। इस समय यात्रा करने से समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। अनावश्यक खर्चों से परहेज करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर परिवार में सुखद और सामंजस्य वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में समझौते जैसी स्थिति न आने दें। जब परिवार आपके साथ है तो आप बड़ी से बड़ी जंग आसानी से जीत सकते हैं। आपका साथी हर समय प्रेरित आपको करेगा, बदले में उसे आपका प्यार और केयर चाहिए। दोस्तों को आपकी आवश्यकता पड़ेगी, उनकी मदद करें। आज का दिन आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि आज आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। आपको अपने लवर से तारीफ मिल सकती है या कुछ ऐसा जिसकी चाह आपको लंबे समय से थी। आपकी कोशिशों में आपके प्रियजन भी सहयोग करेंगे। अपने साथी से एक किस या टाइट हग भी आपका पुरस्कार हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से आपके वर्तमान या होने वाले संबंध को लेकर आपके मन में ढेर सारी चिंताएं और संदेह हैं। आज सारे संदेह मिट जाएंगे और आप अपने संबंध और अपने पार्टनर के बारे में स्पष्ट होकर सोच पाएंगे। आप अपनी लव लाइफ के बारे में अच्छा और स्पष्ट निर्णय भी ले पाएंगी। बात करते हैं करियर की। आज आप सबसे बड़े ग्राहकों में से एक के साथ अपने सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं। उनके साथ एक लंबे अवधि के अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ें। ग्राहक वित्तीय संसाधनों से परिपूर्ण है, जैसे कि आपके कार्यालय पर वित्तीय बोझ कम होगा। आपको अगर ग्राहकों से और सौदे लेने हैं तो आपको अपने सामान्य ज्ञान का अच्छा परिचय देना होगा और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी व्यापारिक सेवा भी देनी होगी। आज समय अपने नेतृत्व तथा प्रबंधकीय क्षमताओं को समझने व प्रयास करने का, इससे आपको प्रसिद्धि और पहचान दोनों मिलेंगे। अपने कार्यों से कमाई प्रतिष्ठा आपको भौतिक सुरक्षा प्रदान करेगी। बड़ी उपलब्धियों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें। जीवन में प्रयास के बाद ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जिससे आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। दूसरों की विचारों और बातों को अच्छे से सुने, क्योंकि बातचीत अच्छी व्यवसाय की कुंजी है। याद रखें कि ये सितारे हमारे भाग्य को तय नहीं करते, बल्कि इसे हम खुद तय करते हैं। स्त्री वर्ग से जुड़े व्यवसाय सफल रहेंगे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को लापरवाही में ना लें। अपने पार्टनरशिप करने का प्लान है, अगर पार्टनरशिप करने का प्लान है तो उसके सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार कर लें। नौकरी पेशा लोगों का अपने कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक मेहनत और तनाव का असर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। मानसिक सुकून बनाए रखें। मांसपेशियों में थोड़ी खिंचाव भी हो सकती है, ख्याल रखें अपना। आज का उपाय, आज आप भगवान कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें, शुभ रहेगा बहुत। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।